कोई हिजड़ा मर गया हा? क्या बोल गया मैं, हिजड़ा हिजड़ा ना हिजड़ा मुखन्नस मर गया, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना कि नहीं पढ़ना? तो मसला आया तो मुफ्ती के पास, मुफ्ती क्या जवाब देगा? हिजड़े की नमाज जनाजा पढ़ना कि नहीं पढ़ना? अब बोलन तो हम मिलते नहीं है, वो मरने के बाद मिलते नहीं हो, कहां ले जाया जाता उनको, कैसे उनको दफनाया जाता, अल्लाह अल्लाह को मालूम। बोले तो मिल जाए तो नमाज जनाजा पढ़ना कि नहीं पढ़ना? हाँ, अब देखिए यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी है, अगर फकीह और अहले हदीस ही हकीकत में फकीह होते, अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदे को और हमारे मुर्दे को, यानी जो हमारा हो जाए, अहले हदीस हो जाए अगर कोई हिजड़ा, तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, वरना नहीं पढ़ी जाएगी। चले ना, इस्तिदलाल सही है ना जे? अब्दुल्ला रोपड़ी ने ये इस्तिदलाल किया, ये मेरा इस्तिदलाल नहीं। अगर वो मुवहिद है, सुन्नत रसूल के ऊपर अमल करता है, तो ऐसे मुखन्नस की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, वो भी सूरह फातिहा के साथ, اللهم اغفر لحينا ومجتنا وشاهدنا وغائبنا وغير ذلك।